सावन और भादों के महीने में भगवान महाकालेश्वर का हर सोमवार सवारी निकलती है। सवारी को लेकर उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सभी आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दे दिए हैं। श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए और उनके सुगम दर्शन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में बारिश के दो नए सिस्टम फिर से एक्टिव हो गए हैं। इन सिस्टम की वजह से प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं, जबकि भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार छोटे शहरों में हाउस टैक्स बढ़ाने जा रही है। अब बड़े शहरों के तर्ज पर छोटे शहरों में भी मकान का व्यवसाय का उपयोग कर मुनाफा कमाने वाले लोगों से 2 से 3 हाउस टैक्स लिया जाएगा। अभी तक सिर्फ 17 नगर निगम वाले शहरों में ही ये व्यवस्था लागू थी। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए वाराणसी स्थित एनडीआरएफ की 11 बटालियन ने 82 जिलों को बाढ़ से बचाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बिहार से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीबीआई ने नालंदा और गया से सनी कुमार और रंजत नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सनी एक परीक्षार्थी है, जबकि रंजत एक दूसरे परीक्षार्थी का पिता है। लोकसभा चुनाव के बाद से राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी पर भी लगातार हमलावर बनी हुई है। दिल्लीवासियों की समस्याओं का जितना जिम्मेदार कांग्रेस आपको मानती है, उतना ही दोषी वो बीजेपी को भी ठहरा रही है। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी भी यहां अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में जुटी है। इस बीच दिल्ली बीजेपी ने पार्टी की मजबूती को लेकर संगठनात्मक नियुक्ति की है। विष्णु मित्तल और राजकुमार भाटिया को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। संकट से जूझ रही फिनटेक कंपनी पेटीएम को बहुत दिनों बाद खुशखबरी मिली है। पेटीएम को सरकार की एक समिति ने चीन से 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेने की मंजूरी मिल गई है। ये इन्वेस्टमेंट पेटीएम पेमेंट सर्विसेज में आएगा। हालांकि पेटीएम को अभी इस निवेश के लिए वित्त मंत्रालय से भी मंजूरी लेनी होगी। क्या आप जानते हैं कि अनुष्का और विराट में से ज्यादा कौन अमीर है? तो हम आपको बता दें कि विराट और अनुष्का के पास कुल 1300 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। दोनों में सबसे ज्यादा अमीर विराट हैं। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इन 1300 करोड़ में 1050 करोड़ रुपए के मालिक क्रिकेटर ही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मोहम्मद सिराज से मुलाकात करके उन्हें जीत की बधाई दी। इसके साथ ही उनके लिए सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया। सिराज को हैदराबाद में घर बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा भी की है। इस मौके पर सिराज ने मुख्यमंत्री को टीम इंडिया की जर्सी गिफ्ट की।